2017 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह की फोटो वाला कार्ड जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब उसमें से एक नौजवान जिसमें यह कार्ड भरा था, इसके खिलाफ रूपनगर की अदालत में एक केस दायर किया गया है, जिसमें अब कोर्ट ने रोजगार दफ्तर से इस संबंध में जवाब मांगा है। हाँ जी, मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। मैं फ्रॉम कलोनी का रहने वाला जी। मैनू सूबा सरकार वालों 2017 च नौकरी देने का वादा किया गया सी। ये कार्ड भराए गए सी ते इलाके दे लीडरां वालों सानू जिहड़ा ये कार्ड भरा के ते नौकरी देने का वादा किया सी ते उस तो उपरंत उन्होंने अगर जेकर नौकरी नहीं मिलेगी तो 2500 रुपया उदों तक मिलेगा जो तक तुहानू नौकरी जे नहीं मिलेगी। तो उन्होंने असी ये कार्ड जिहड़े 2017 दीआं चोणां तों पहलां कैप्टन साहब ने अपनियां फोटोआं ला के अपने वर्करां दे राहीं नौजवानां नूं घर घर इहो जिहे कार्ड बंडाए सीगे, जिन्हां दे उपर बकायदा कैप्टन साहब का शर्त पत्र भी लिखा होया, 100 पत्र भी नाल लिखा होया। ते बेरोजगार नौजवानां नूं वादा किया गया सी कि कैप्टन साहब उन्हां नूं जां तां घर घर नौकरी देणगे जां चढ़े महीने 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देणगे। ये सिर्फ वादा ही नहीं किया गया सी बल्कि इस वादे दे तौर ते एक कार्ड चिप वाला कार्ड। एनस्टार न्यूज़ के लिए रूपनगर से सुषमा मॉडगिल की रिपोर्ट।